हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो दोस्तों, आज मैं मशरूम ढूंढने जा रहा हूँ। सो मशरूम मिलेगा ना नहीं मिलेगा पता तो नहीं है, लेकिन कल बहुत बारिश दिया है तो मशरूम मिल सकता है घात में निकलने वाला, तो ढूंढने जाता हूँ। तो आप सब देखिए मेरा वीडियो, और मेरा वीडियो को आप सब लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सब मेरा चैनल को देख के सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर देता है, और आप सब सब्सक्राइब कर देने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा इच्छुकता और बढ़ता है वीडियो बनाने का। तो आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप सबको मिलता रहे। चलो चलते हैं दोस्तों मशरूम ढूंढने के लिए जंगल में, तो पहाड़ में जाके देखते हैं मिलेगा ना नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, पहाड़ है, बहुत चढ़ाई है, देखते हैं नहीं मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ बेरा बना के रखा है, ये मैतून के लिए है। मैतून बाहर में निकल जाता है तो इसलिए मैतून के लिए ये बेरा बना के रखा है। देखिए, सो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पॉट में पहुंच गया हूं। तो यहाँ थोड़ा सा निकला हुआ है, ज़्यादा नहीं निकला है, तो छोटा छोटा है, तो फिर भी ले जाएंगे, थोड़ा सा होने से भी लेके बना के खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ में निकला है, ये देखिए, ये है मशरूम, तो यहाँ में निकला है। देखिए यहाँ निकले हैं, इधर देखिए दोस्तों, ये सब मशरूम है। देखिए यहाँ भी निकला है, देखिए 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 दोस्तों, देखिए अभी फिलहाल छोटा छोटा है, तो फिर भी लेने के लिए आया हूँ, इसलिए ले जाऊँगा, बना के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, आप सब अगर जानता है तो इस सीजन में आप सब मशरूम ढूंढने के लिए जा सकता है, बहुत टेस्टी होता है। तो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा बर्ती निकल जाता है, लेकिन ये बार कम निकला है। सो देखिए उतारते हैं दोस्तों, तोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। देखिए ये सब छोटा छोटा वाला बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, आप मीट खा रहे जैसे होता है, तो मीट का टेस्ट को भी पीछे छोड़ देता है। बहुत टेस्ट होता है दोस्तों, बहुत टेस्ट होता है, आप सब खाइए। ये बारिश का सीजन में निकलता है, देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्ट है। तो ये दूसरा मशरूम है, पता नहीं ये तो खाने वाला नहीं है, शायद ये जहरीला वाला हो सकता है। यहाँ भी तो आप देखिए, ये मशरूम, वाइल्ड मशरूम जो जहाँ में पुक खाता है ना, जहाँ में पुक खाता है वो खाया जा सकता है, मेरा अनुमान से खाया जा सकता है, और जहरीला वाला को पुक नहीं खाता है, जहर वाला को पुक नहीं खाता है। तो यहाँ से भी आप पहचान सकता है तो जहरीला है कि नहीं है, तो जहरीला नहीं होने वाला में पुक नहीं खाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए, और यहाँ ये बटन साइज का है। सो देखिए, देखिए दोस्तों का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों। सो आप सब इसको सब्जी पका के खाएगा ना, बहुत टेस्ट होता है दोस्तों, आप सब ट्राई कीजिए। तो हम सब तो हमारे निसी लैंग्वेज में तो इसको बोलता है तेइन बोलता है। सो कॉमन में हम सब मशरूम को तेइन बोलता है, जो भी मशरूम खाया जाने वाला को तेइन बोलता है, और पोइजन वाला को दद तेइन बोलता है, दद तेइन, जो भी कुछ है पोइजन वाला को दद बोलते हैं, दद मीन्स पोइजन। तो ये खाया जाने वाला है, इसको हम लोग तेइन ऐसे बोलता है,
दनम तेईन बोलते हैं, दनम तेईन हम लोग बोलता है खाया जाने वाला को, दनम तेईन बोलता है। तो देखिए दोस्तों, ले जाएंगे और बना के खाएंगे। तो लेने के लिए तो मैंने बहुत बड़ा सा प्लास्टिक ले लिया था, तो इतना तो मिला तो नहीं है, फिर भी एक खाने का इसका सिर्फ सूप 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 का साथ खाने से भी बहुत बढ़िया होता है। सो इसके लिए मैं ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए एक्चुअली मेरा घर में भी ऐसे कात हैं, उसमें भी निकला हुआ है, इसलिए मैं पता चल गया था कि निकला होगा बोल के। ये देखिए दोस्तों, ये मशरूम खाता है ना नहीं खाता है पता नहीं, लेकिन इसको इंसेक्ट ज़रूर खाया है, ये देख सकते हैं आप, इंसेक्ट खाया हुआ है। सो अभी लगने लगा है हर एक मशरूम जो इंसेक्ट खाता है वो खाया नहीं भी जा सकता है, तो ये मशरूम देख के तो नहीं खाता है जैसे लग रहा है। सो जो मशरूम इंसेक्ट खाता है उसको, हर मशरूम को खाया जाता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल से। सो देखिए, किसी ने बताया था मुझे, तो जो मशरूम मैं पुक खाता है, इंसेक्ट खाता है, वो मशरूम को खाया जाता है, लेकिन ये मशरूम देख के तो थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे। देखिए दोस्तों, हर मशरूम को खाना नहीं है, नहीं तो जिंदगी खलास हो जाएगा, सीधा गोट के पास चला जाएगा। मशरूम ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गया है, जंगल में सुनसान है। हाँ चिड़िया तो आवाज दे रहा है, सुनिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मशरूम ढूंढ ढूंढ के बहुत आगे आ गया है, वापस चलते हैं। तो नहीं मिलेगा लग रहा है, चलिए वापस चलते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, एक प्लांट का नीचे मैं आ गया हूँ। तो ये प्लांट तो हम सब बचपन में बहुत खाया करते हैं, देखिए देखिए दोस्तों, प्लांट थोड़ा सा खट्टा होता है लेकिन नमक मिर्चा के साथ बहुत टेस्ट होता है, तो इसे बचपन में बहुत खाया करता था। तो थोड़ा खा के देखते हैं, इस तरह छीलते हैं, थोड़ा ऐसे छील के खाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे छील के खाता है, थोड़ा खट्टा होता है लेकिन बहुत बढ़िया होता है नमक मिर्चा के साथ। लेडीज लोग बहुत पसंद करता था ये ना, मैंने बचपन में देखा, मेरा बहन लोग बहुत खाता था, और थोड़ा खट्टा होके बहुत बढ़िया होता है नमक मिर्चा के साथ, तो क्या बोलेगा ना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, हो जाएगा काफी है, सुबह सुबह खाली पेट ज्यादा नहीं खाना है, खट्टा है। तो आप सबको भी ये वाला प्लांट दिखाई मिलने से आप सब खा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, देखिए ऐसे ऐसे दिखता है दोस्तों, बहुत बढ़िया होता है, सामने से देखिए ऐसे दिखता है। तो इसका ये भी पूरा पिंक पिंक होता है, देखिए बहुत टेस्ट होता है, आप घर में भी लगा के रख सकते हैं, ये सुंदर होता है, फूल भी निकलता है, बहुत बढ़िया से फूल निकलता है इसका, तो ये टेस्टी होता है दोस्तों। फिर भी मैं इसे नहीं लगाऊंगा, तो आप सबको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, शायद ये दवाई भी होता होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारा अरुणाचल में जो भी कुछ मिलता है सब दवाई ही होता है बोलता है। सो देखिए दोस्तों, कभी जंगल जंगल में आप सबको मिलता है तो आप सब इसे खा सकता है। सो बने रहिए दोस्तों, देखिए दोस्तों जंगल में बहुत बढ़िया होता है, बहुत सुकून मिलता है। सो यहाँ में अब चिड़िया का रोने का अलावा कुछ सुनाई नहीं मिलता है, तो चिड़िया रो रहा है,
बहुत शांति मिलता है जंगल में ना दोस्तों। आप सब जंगल में आके कभी आराम से घूमिए और चिड़िया लोग का रोने का आवाज सुनिए, बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। आप सब नेचर का ये को फील करके देखिए, बहुत बढ़िया होता है, बहुत शांति मिलता है, सुकून मिलता है। वो गच्ची का ऊपर में चिड़िया रो रहा है, वो गच्ची का ऊपर में वो उसमें चिड़िया रो रहा है। चलो आप शांति से बैठ के सुन के देखिए चिड़िया रोने वाला आवाज। मैं घर पहुंच गया हूं। सुबह मुझे पता चला था मेरा घर में भी यहाँ मशरूम निकला है, इसलिए मैं जंगल में ढूंढने गया था। जंगल में ज़्यादा मिला तो नहीं है, तो घर में जो निकला है उसे भी मैं तोड़ता हूं। देखिए दोस्तों, तो इसका वजह से मुझे पता चला वो मशरूम निकल गया बोल के। सो कल रात भी बारिश बहुत दिया, इसका वजह से निकला है। देखिए दोस्तों बहुत सुंदर से निकला है ये मशरूम। देखिए कितना सुंदर से निकला है, तो ये बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। मीट का कोई जरूरी नहीं है ये खाने से ना, तो इसका सूप से भी खाना पूरा खाया जा सकता है। तो बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। सो ये मेरा बगान में मैंने लास्ट ईयर इस ये काट को मैं लेके आया था, तो यहाँ मशरूम निकलता है। सो ये इस काट का ये खासियत है कि ये काट में मशरूम निकलता है, अपना से निकलता है, कोई इसमें दवाई या कोई सीड्स नहीं डालता है, ये खुद ब खुद निकलता है। वाइल्ड मशरूम है पर भी ये इटेबल है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ भी निकला हुआ। देखिए दोस्तों, सुंदर है ना दोस्तों। और यहाँ भी एक मशरूम है, एक प्रजाति का मशरूम है, इसे भी खाया जाता है, इसे भी खाता है, लेकिन इसे मैं अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। तो ये मशरूम भी बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, ये मशरूम भी खाया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। सो देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मशरूम भी बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। तो अब बढ़िया से खा सकता है ये मशरूम को, बिना झिझक के साथ खा सकता है। तो ये मशरूम निकलने के लिए ही ये कात को मैं जमा करके रखा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए बहुत सुंदर सा मशरूम है। देखिए दोस्तों, तोड़ते हैं। फिर ये ज्यादा ही बड़ा हो जाने से फिर बहुत सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो खाने में मजा नहीं रहेगा। अभी ये एग्जैक्ट समय है खाने के लिए। आज का मशरूम ढूंढने वाला को यहाँ में मेरा दोस्त बना रहा है। ये देखिए आलू के साथ, लोकल आलू के साथ मशरूम को बना रहा है मेरा दोस्त। सो दोस्तों, खाना पक चुका है और ये मशरूम का सुबह लाने वाला मशरूम का सब्जी है, आलू का साथ फ्राई किया है। और ये मशरूम तो बहुत बढ़िया है, मशरूम बहुत टेस्टी है दोस्तों, एकदम तो मीट का जैसे, जस्ट लाइक एंड चिकन का जैसा। वाह, बहुत बढ़िया। ना देखिए मशरूम बहुत बढ़िया है, मशरूम इतना टेस्टी है दोस्तों, क्या बोलेगा। शायद ये मशरूम का इंग्लिश में ऑस्टियर मशरूम बोलता है शायद, ऑस्टियर मशरूम बोलता है शायद तो हमारा लोकल लैंग्वेज में तो इसको तेइन बोलता है, तेइन।
तेईन बोलता है। तो आप सबका भाषा में क्या बोलता है मशरूम को, आप सब कमेंट सेक्शन पे बता सकता है। तो ये बहुत टेस्टी होता है। और दोस्तों आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, मेरा वीडियो रोज देखने वालों को। तो इसी तरह मेरा वीडियो रोज देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज आप सब मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को इन तक देखना और मेरा वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब सब्सक्राइब करेगा तो मेरा लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा तो मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, तो वीडियो बनाने का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आप सब मेरा वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इग्नोर मत कीजिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।